आशिकी ढीठों का ही काम है। ये बताएं, क्रिकेट के मैदान से ड्रामे के या फिल्म के सेट पे कैसे? शौक, और बस शौक था और अपॉर्चुनिटी आई तो उसको ग्रैब किया, और फ्री भी था, टाइम भी था अभी, क्योंकि इस महीने कुछ नहीं था तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने ये किया। अच्छा सर, सच से बताएं, मशवरा किसने दिया था अदाकारी का? अगर आप कहीं जाते हैं कुछ कहते हैं तो कहते नहीं है यार एक्टिंग क्यों कर रहे हो, अगर आप भी कहीं जाते होंगे आप कुछ कहते होंगे जब आप कोई बहाना करो यार क्यों एक्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ से मशवरा आया। खैर जोक्स अपार्ट, ये बस खुद का ही शौक था, करना चाहता था कि लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नए नए आप एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो। सो ये था, और ये 2-3 साल पहले से था कि कोई चीज़ करनी है। फरहान भाई हैं, उनके साथ जब बात हुई, उनके साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कोई चीज़ करेंगे साथ। सो बस उसके बाद कोई चीज़ बन नहीं पाई, उसके बाद मतलब जब उनके पास टाइम होता था मेरे पास नहीं होता था, जब वो कुछ करना चाहते तो इसका मिक्स एंड मैच होता गया। लेकिन इस दफ़ा फाइनली टाइम था तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एक चीज़ आई है, अगर वो करनी है, इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ, मैं करना चाहता हूँ साथ। सो थैंक्स टू हिम, आई थिंक कि उन्होंने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी मुझे और मेरे पे मतलब बिलीव किया कि मैं ये कर सकता हूँ, और होपफुली जब ये चीज़ें, जब ये फिल्म आएगी इंशाल्लाह आप सबको भी पसंद आएगी। बहुत आपने सेंचुरीज स्कोर की, बड़े मैदानों पे हीरो बने, तो कहीं हीरोइज्म का ये नहीं लगा कि कैमरे के सामने भी हीरो बनता हूँ? अब वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। सो हीरो बनना आसान नहीं है, आई थिंक बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, कोशिश की है, होपफुली वो कोशिश जो भी देखने वाले हैं उन सबको वो कोशिश पसंद आए। अच्छा क्रिकेट में तो आपकी स्ट्रगल हमें पता है, तो अदाकारी में भी कोई स्ट्रगल करना पड़ा, मुश्किल ज़्यादा क्या लगा? मेहनत करनी पड़ती है, दोनों अपनी अपनी जगह टफ हैं, और जहाँ तक अदाकारी की बात है इसमें भी मेहनत आपको चाहिए होती है, आसान नहीं होता क्योंकि आपको एक्ट करना होता है कैमरे के आगे वो भी, और डायलॉग्स बोलने होते हैं जो राइटर और जो डायरेक्टर जिस तरह कहते हैं आपको उसको जो है फॉलो करना पड़ती है, तो इतनी आसान नहीं होती ये चीज़। तो वही बात है कि कोशिश करते रहे यार करना है। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा चल रहा है, सेट पे हैं आप लोग, आपको आप लोग खुद भी ये देख रहे हैं। लड्डू कैसे हैं आप फवाद भाई? अरे भाई लड्डू वड्डू की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे फवाद भाई, लड्डू मेरा नाम है यार। लोगों को शायद पता नहीं है मगर आपने एक पीटीवी के ड्रामे में पहले भी काम किया था, मगर शायद आपने अदाकारी नहीं की थी, आप फवाद आलम ही बने थे उसमें। एक में वही बना था, अभी 2-3 और रिकॉर्ड करवाए हैं, उसमें फवाद आलम ही बना था, और जो अभी जो 3 रिकॉर्ड करवाए हैं वो ऑन एयर होंगे। सो उसमें वो डिफरेंट करेक्टर्स हैं उसमें, सो आई थिंक वो जब आएगा तो वो थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, लेकिन वो सिटकॉम से आपको पता है वो हंसी मजाक है और वो एक ही एपिसोड है। सो वो भी इंशाल्लाह ये है कि जल्द ऑन एयर होंगे। एक बात कहूँ, तुम कभी खुद को आईने में मत देखना। अच्छा क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद से मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा ये जो फिल्म है खुदकुश मोहब्बत, ये इसमें क्या किरदार क्या है आपका? खुदकश मोहब्बत आपको पता चल गया, खुदकश वाला काम है बस, मोहब्बत करना आपको पता है खुदकश ही है। तो खैर एक लव स्टोरी है, कच्ची लव स्टोरी है, और एक लड़का है उसकी लव स्टोरी बताई जा रही है इसमें, और पूरा रिवील मैं नहीं कर सकता, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी खुदकश मोहब्बत। तो ये आपने पहले पूरी कहानी सुनी थी फिर फैसला किया था, या बस फ़ोन आया मौका मिल रहा था यार कर लो जो होगा देखा जाएगा? दोनों चीज़ें थी वैसे, पहले तो फ़ोन ही आया तो वह मीटिंग हुई कि भाई ये करना है और ये चीज़ें हैं, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट आया, तो जाहिर है हम ही तो उसी टाइम कर ली थी कि हाँ मैं फ्री हूँ करूँगा। सो स्क्रिप्ट फिर आया, फिर और पसंद आया, क्योंकि जब मीटिंग हुई थी जब ही उन्होंने थोड़ा सा फरहान भाई ने मुझे बता दिया था कि यार ये करेक्टर है इस तरह का हम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो फाइनलाइज है पूरी वो मैं आपको बता दूँगा, तो मुझे वो अच्छा लगा, एक अच्छा डिफरेंट रोल था और आई थिंक मेरे गेटअप पे सूट भी कर रहा था वो। अच्छा ये हमें एक चीज़ हुई कि जो पोस्टर देखा है हमने उससे लग रहा है कि ये कोई थोड़ा एक्शन का काम है, और आप एक्शन तो करते ही हैं, तो आपने कहा ये रोमांटिक है तो बहुत बड़ा तादाद है। यहाँ पर रोमांस होते हैं वहाँ पर एक्शन तो होता है ना, बगैर एक्शन के रोमांस कहाँ होता है। जब आपने अपने बताया होगा जाहिर है जो क्रिकेट के साथी वगैरह हैं तो उन्होंने कुछ इस पर रद्दअमल दिया, किसी ने कहा कि यार हमें भी एक्टिंग करनी है, हमें भी अदाकारी करनी है, कोई हमारा भी? नहीं अभी नहीं है कुछ, क्योंकि अभी तक ये इतनी खुल के बात सामने नहीं आई है, क्योंकि एक छोटा सा ही वो पोस्टर था आपको पता है, अभी इसका बड़ा पोस्टर जो है
लॉन्च करना है हमने जब, और ये प्रोमो जब आएगा असल कहानी तो जब शुरू होगी। तो आपको लगता है कि आपके साथियों में किसी में हैं अदाकारी के जरासीम? सर दुनिया में जो लोग हम लोग हैं हम सभी एक्टर हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर एक्टर छुपा हुआ है। शोबिज़ का टेस्ट मैच है वो तो फिल्म है, ये एक वेब फिल्म है, लेकिन एक बड़े पर्दे की फिल्म होती है, उस फिल्म में काम करना चाहेंगे आप? ज़रूर, क्योंकि जब हम वो खुद देखते हैं हमें पसंद आती है, जब स्टोरी अच्छी होती है, जो फिल्म में एक्ट कर रहे होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो भी किरदार होते हैं, वो जब हमें पसंद आती है तो इंशाल्लाह जब वहाँ पर भी मौका मिले तो वो भी ज़रूर करें। अच्छा अगर फिल्म की बात करें तो हमारी फिल्मों की जो बड़ी अदाकाराएँ हैं मेवी सियात, माया अली, माहिरा खान, इन तीनों में से किसके साथ आप चाहेंगे कि इसके साथ पहली फिल्म करूँ? मुश्किल सवाल आज ना किया करें ना मेरे साथ, मुझे फिर लेफ्ट करने पड़ते हैं। इन तीनों के साथ ही मिलेगी इंशाल्लाह। एक साथ तो नहीं मिलेगी ना, क्या पता एक कोई ना कोई ऐसी स्टोरी भी हो जाती है। खैर लेकिन पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन ये कि तीनों ही अच्छी एक्टर्स हैं और जिनके साथ आई थिंक जिनके साथ भी मौका मिलेगा वो मेरे लिए बड़ा सीखने का, मतलब मेरे लिए सीखने का मौका होगा, क्योंकि उनके साथ काम करके मैं और सीखूंगा, क्योंकि जाना माना नाम है इस इंडस्ट्री में। सो मेरे साथ तो जो भी तीनों में से जो भी होगा। आपसे पहले भी बहुत से क्रिकेटर्स ने अदाकारी की, ब्रेट ली ने की, अजय जडेजा ने की, मोहसिन हसन खान साहब ने तो बहुत फिल्में की, मगर क्रिकेटर बड़े पर्दे पे कामयाब ज़्यादा रहे नहीं हैं, तारीख यही कहती है। आप कितने पर उम्मीद हैं? सर सब जितने भी आपने नाम लिए हो अपनी अपनी जगह क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, और थे हैं और रहेंगे आई थिंक, परफॉर्मेंसेज उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए बहुत की। जहाँ तक एक्टिंग की बात है आई थिंक किसी को देख के आप कोई चीज़ वो नहीं कर सकते कि यार अगर ये चीज़ उनके साथ नहीं हुई तो हमारे साथ नहीं होगी। आप अपना काम पूरा करते हो, आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, क्योंकि इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है और रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में। सो अगर आपकी कोशिश में नियत होगी और आप कोशिश दिल से करोगे सो इंशाल्लाह रिज़ल्ट, मुझे इतना पता है कि रिज़ल्ट आपके हक में ही आता है। अच्छा सर एक थोड़ा सा अदाकारी से हट के एक बात, आप दौरे जिम्बाब्वे के लिए सेलेक्ट हुए टीम में, तो ये कोविड के ज़माने में एक बायो बबल में रहना, तैयारी करना, क्रिकेट खेलना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या आपको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ा? सर बीना प्रोफेशनल आपको आई थिंक हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, तो हम उस तरह के जो है ना कि हम हर चीज़ हर चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा तो सर कोई ख़ास आपने तैयारी की है जो कि बड़ी गर्मी में होने वाला है दौरा जिम्बाब्वे? सर वो जब की बात जब देखी जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि तैयारी तो आप करते हो, मेहनत करते हो, और हमें गर्मी सर्दी को नहीं देखना, हमने सिर्फ अपनी जो है कंट्री को देखना है और अपने क्रिकेट को देखना है और परफॉर्मेंस करना है।